खड़ा हो जाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब आप भी आइए, आप भी थोड़ा सा करिए पीछे, यहाँ से यहाँ से हम यहाँ से जो कर सकता वो करो, बाकी तो इजी 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 करो, जरा सा कर सुन। हां we started celebrating yoga day on 21st June 2015. We all have this misconception that we need to be flexible to do yoga, but this is not so. You just need your body to be free and your breathing to be proper to do yoga. Yoga lets you to relax your body and loosen your muscles and remove the stiffness and remove all toxins of your body. So you don't need to be doing middle splits or front splits to be expert in yoga. Also, they say ki your life is as long as your spine is flexible. जितना आपका spine flexible है, उतनी ही लंबी आपकी age होगी. और जितना flexibility की बात कही जाए तो पेड़ एक खड़ा रहता है सबसे ज्यादा, उसके फ्रूट्स कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो आम की ब्रांचेस देखी होंगी वो नीचे लटकती रहती हैं, उसका फ्रूट सब लोग खा सकते हैं, वो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसी हमारी बॉडी को भी अगर हम फ्लेक्सिबल रखेंगे या मूवेबल रखेंगे कि वो स्टिफ ना हो, एटलीस्ट वो हम अपने लिए हेल्दी रह सके, दूसरों के लिए नहीं तो उतना भी बहुत है। सबको पता है 21st June है, हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। योगा हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, फ्रॉम आयुर्वेदा एक्चुअली, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो योगा डे को बहुत प्रेशियस बनाती हैं इंडिया में, जैसे कि इस साल का थीम दैट इज आई गेस योगा फॉर ह्यूमैनिटी। एंड योगा इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आर फिजिकल हेल्थ, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ।
बिकॉज योगा एंड मेडिटेशन आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अ पर्सन लाइफ दैट ब्रिंग देम क्लोजर टू द निर्वाणा. निर्वाणा मीन्स द स्पिरिचुअल रियलिटी. जो भी इंसान योगा परफॉर्म करता है इन डे टू डे लाइफ और प्रैक्टिस मेडिटेशन इन एनी फॉर्म, वो इंसान ऐसे स्टेटिस्टिकली बताया गया है दैट ही और शी लिव्स 10 to 12 ईयर्स लॉन्गर दैन अ नॉर्मल ह्यूमन बींग. एंड एक्सरसाइज, एरोबिक्स और योगा और एनी फॉर्म ऑफ अदर मेडिटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ. दैट इज वाई वी आर सेलिब्रेटिंग एंड जेनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट दीज काइंड ऑफ डेज इन आर यूनिवर्सिटी टू. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आज मैम यहाँ पे आए और हमारे साथ योगा डे सेलिब्रेट किया यहाँ पे, बिकॉज डे इज लाइक दीज जेनरेट अवेयरनेस नॉट ओनली फॉर द फिजिकल एज वेल एज फॉर आर मेंटल हेल्थ. हाँ, आज 21 जून जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इस दिन हमने आज एक कैपेसिटी बिल्डिंग फिजिकल एजुकेशन का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जो कि पूरे 2 महीने चलेगा. इसमें मतलब आज तो योगा से स्टार्ट कर दिया बट इसमें हमने पूरा एक कैप्सूल बनाया है फिजिकल एजुकेशन का. इसमें एरोबिक्स आ जाएंगी, इनकी सारी एक्सरसाइजेज आ जाएंगी. ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमने एक सर्वे यहाँ पे किया, चूँकि जब से मैं यहाँ पे डीन एग्रीकल्चर आई और मैंने देखा कि ऑफ एंड ऑन यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स में ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. बहुत ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फिज़िकल एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं. कहीं किसी का डिप्रेशन है या किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बिल्कुल फिज़िकल एक्सरसाइज की कमी की वजह से देखा जा रहा है. जो कि आजकल आपको पता है 2 साल कोविड था, हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल इंडोर्स रहे हैं, बहुत जगह उनके पास लॉन्स नहीं होते हैं कहीं पर, और सड़कों पे निकले नहीं, वॉक्स किए नहीं, एक्सरसाइजेस किए नहीं, स्कूल कॉलेजेस गए नहीं, तो ओबेसिटी हो गई है और भी और प्रॉब्लम्स हो गई हैं. तो हम कंटेम्पलेट कर रहे थे बहुत देर से कि हम एक कोर्स ऐसा बनाएं जो जिस पे बच्चों को यहाँ पे एक्सरसाइजेस हो जाएं, फिजिक एरोबिक्स हो जाए और भी एक्सरसाइजेस हो जाएं. तो ये कोर्स हमने आज इनॉग्रेट किया 21 जून को, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है. तो हमें लगा कि आज के ही दिन ये इनॉग्रेट हो जाना चाहिए. ये 2 महीने चलेगा ये कोर्स और उसके बाद स्टूडेंट्स की एक हैबिट हो जाएगी एरोबिक्स करने की, एक्सरसाइज करने की, वॉक्स करने की, फिजिकल एक्सरसाइजेस में अपने आप को इंडल्ज करने की. और थोड़ा कंप्यूटर से दूर रहेंगे, थोड़ा फ़ोन से दूर रहेंगे, लैपटॉप से दूर रहेंगे थोड़ी देर. तो ये आज हमने यहाँ पे स्टार्ट किया. विमेन एम्पावरमेंट में सबसे बड़ी बात है कि वी नेगलेक्ट आवर सेल्स. मोस्टली लेडीज़ होती हैं या लड़कियाँ होती हैं, मोस्टली उनका ऐसा ग्रोअप होता है कि वो हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं फॉर अदर्स, चाहे वो मदर है, चाहे वाइफ है, चाहे बेटी है, चाहे बहन है. तो इसलिए सबसे पहले हम कहते हैं कि टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. जब आप पहले अपना ख्याल रखेंगे तो तभी आप बाकी लोगों का ख्याल रखेंगे. इसीलिए हम चाहते हैं कि लड़कियां फिजिकली फिट रहें और तभी जाके उनका वीमेन एम्पावरमेंट होगा, तभी वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगी. और इसमें जब वो कलेक्टिवली यहाँ पे करेंगी, शाइनेस ख़त्म हो जाएगी, उनमें एक बोल्डनेस आ जाएगी, उनमें हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा और वो उनकी एक हैबिट, हेल्दी हैबिट डेवलप हो जाएगी जो कि वो फिर लाइफ भर कर सकती हैं, कंटिन्यू कर सकती हैं अपनी वो हैबिट. तो इस दिस इज़ द राइट एज जब उनमें हम ये इनकलकेट करें ये गुड हैबिट्स जो फिज़िकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है.